हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मेड और सीओ की रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। ये ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारे हीरो युंगटिंग से होती है। युंगटिंग एक बड़ी कंपनी का सीईओ था। युंगटिंग की लेग में प्रॉब्लम थी, यानी वो डिसेबल था। युंगटिंग किसी को ढूंढ रहा था। युंगटिंग का असिस्टेंट आके उसे चेयर पर बैठने के लिए बोलता है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है युंगटिंग का ट्रीटमेंट बहुत सारी जगह पर हो चुका था, पर अच्छे से रिकवर होने की कोई होप दिखाई नहीं दे रही थी, जिस चक्कर में युंगटिंग बहुत ज्यादा रूट और डिप्रेस रहता था। युंगटिंग के सारी फ्रस्ट्रेशन का सामना उसके असिस्टेंट मिंग को करना पड़ता था। युंगटिंग अपनी डिसेबिलिटी को छुपाने के लिए कुछ महीनों के गैप में नए नए प्लेसेस चेंज करता रहता था। युंगटिंग इस रिसोर्ट में इसी वजह से आया हुआ था। युंगटिंग अंदर जाता है, वहाँ सोफे पर हमारी हीरोइन शाओ सो रही थी। इस जगह की सिचुएशन युंगटिंग को इम्प्रेस करने वाली बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये जगह फेमस नहीं थी, इसलिए युंगटिंग को लगता है ये उसके लिए रहने के लिए सही जगह है, कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। युंगटिंग शाओ को उठने के लिए आवाज लगाता है। शाओ को लगता है उसकी फ्रेंड फैन है, इसलिए बोलती है डिस्टर्ब मत करो। युंगटिंग शाओ को खींचकर उठाता है। शाओ गिरने वाली थी, युंगटिंग शाओ को बचाने के लिए अपनी तरफ खींचता है और इन दोनों के बीच एक्सीडेंटली किस हो जाता है। इसी दौरान फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, शाओ बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। शाओ इस रिसोर्ट में काम करने के लिए अपने फ्रेंड के कहने पर ही आई थी। फ्रेंड शाओ को अपनी जगह पे काम कराती थी और बदले में वो हमेशा शाओ को हाफ पेमेंट करती थी। प्रेजेंट में युंगटिंग शाओ को किस के बाद धक्का दे देता है। युंगटिंग गुस्से से बोलता है तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुमने ये जानबूझकर किया है ना। शाओ बोलती है आप इतना फास्ट फास्ट क्यों बोल रहे हो, मैंने थोड़ी जानबूझकर किया है। युंगटिंग बोलता है एक तो गलती करी है, ऊपर से देखो कैसे जवाब दे रही है। नेक्स्ट डे मैनेजर शाओ को आकर बोलता है कल तुमने मिस्टर युंगटिंग के साथ जो भी किया था जाके उससे माफी मांगो। नेक्स्ट सीन में युंगटिंग का सोतेला भाई यू अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। इनकी बातों से हमें पता चलता है यू घर का लीगल बेटा था, फिर भी उसके डैड ने युंगटिंग जो इलीगल मेड चाइल्ड था उसे अपनी फैमिली का हायर बना दिया था। और आज जो युंगटिंग की हालत थी उसका जिम्मेदार यू था, क्योंकि उसी ने उसका एक्सीडेंट करवाकर उसका ये हाल बनाया था। इसके बाद हमें लिंशी को दिखाया जाता है। यू उसे मिलने आता है और बोलता है मैंने तुम्हारे लिए युंगटिंग को ढूंढ दिया है। शाओलिंशी के घर में काम करने आई होती है और वो उसके फोन में युंगटिंग का फोटो देखने के बाद उसे पहचान लेती है। युंगटिंग किसी के कॉन्टेक्ट में ना आने के लिए उस रिसोर्ट में गया हुआ था। लिंशी शाओ से पूछती है तुम इसके बारे में मुझे बता सकती हो क्या। शाओ लिंशी को युंगटिंग की लोकेशन दे देती है। नेक्स्ट सीन में युंगटिंग की तबीयत अचानक से खराब होने लग जाती है। फैन और शाओ काम खत्म कर जा रहे थे। होटल का मैनेजर इन दोनों को वापस बुला लेता है। फैन में रूड युंगटिंग को फेस करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो अपनी जगह में शाओ को जाने के लिए बोलती है। शाओ मना करती, इससे पहले फैन वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मिंग को अपनी मोम की तबीयत खराब होने की वजह से घर जाना था, पर मिंग अपने बॉस को ऐसे छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मिंग शाओ से हेल्प मांगने जाता है। शाओ को अच्छी तरह से पता है युंगटिंग उसे अपने आसपास भटकने भी नहीं देगा। मिंग शाओ को प्रॉमिस करता है अगर तुम अच्छे से काम करोगी तो मैं तुम्हें बोनस भी दूंगा। शाओ ऐसे ऑफर को रिजेक्ट करने वाली हालत में नहीं थी, इसलिए वो मिंग के कहने पर 3 महीने तक युंगटिंग की केयर टेकर बनने के लिए मान जाती है। पर युंगटिंग उसी वक्त वहाँ आके एक क्लीनर को अपनी केयर टेकर बनने में झिझक रहा था। मिंग शाओ को अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है। अब शाओ युंगटिंग का ख्याल रखने लग जाती है। बीच साइड में युंगटिंग की व्हील चेयर फंस जाती है। व्हील चेयर निकालने के चक्कर में शाओ युंगटिंग को गिरा देती है। घर में आने के बाद भी शाओ लगातार युंगटिंग से सॉरी बोल रही होती है। शाओ बोलती है मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, ये सब आपसे प्यार का नतीजा था। युंगटिंग शाओ के मुंह से प्यार जैसा वर्ड सुनने के बाद उसे देखते हुए पूछता है तुम जानती हो प्यार क्या होता है और तुम मेरे लिए प्यार जैसे वर्ड का यूज कर रही हो। शाओ बोलती है प्यार की वजह से मैंने आपकी हेल्प की है ना। युंगटिंग पूछता है ठीक है बताओ तुम्हारे लिए प्यार क्या है। शाओ बोलती है मैं आपका ख्याल रख रही हूँ, जैसे किसी छोटी सी कैट को हमेशा देखना पड़ता है वैसे ही मैं आपको देख रही हूँ, ये सब प्यार ही है ना। शाओ के लिए प्यार का मतलब ये सुनने के बाद युंगटिंग सोचता है कितनी बड़ी बेवकूफ है ये लड़की। शाओ बोलती है मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूंगी और मुझे बहुत अच्छा बोनस मिलेगा, मेरे लिए मेरा काम ही मेरा प्यार है। युंगटिंग मन ही मन सोचता है इसका कुछ नहीं हो सकता,
योंगतिंग शाओ को परेशान करने के लिए उसे आइसक्रीम लेने को भेजता है। शाओ को सोचे बगैर आइसक्रीम लेने चली जाती है। योंगतिंग सोचता है यहाँ 30 किलोमीटर आसपास कोई आइसक्रीम शॉप ही नहीं है, अब उसे आने में बहुत वक्त लगने वाला है। शाओ बार बार आइसक्रीम लेके आ जाती थी पर वो पिघल जाती थी। इस चक्कर में शाओ रात को होटल पहुँचती है। शाओ को इस टाइम देखने के बाद योंगतिंग उसे गुस्से में बोलता है, तुम्हें मैनर नहीं है क्या, आधी रात को मेरे यहाँ आई हो। शाओ बोलती है, नहीं बोस, मैं आपके लिए वर्ल्ड बेस्ट आइसक्रीम लेके आई हूँ, आपको पसंद आएगी। योंगतिंग पूछता है कहाँ है आइसक्रीम। शाओ उसे अपने हाथ में दिखाती है जो ऑलरेडी पिघल चुकी थी। शाओ बोलती है, ये पिघल गई है, मैंने खाई नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने इसको खाया है, ये सबसे बेस्ट आइसक्रीम थी। योंगतिंग पूछता है, तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट वाला लाई थी। शाओ बोलती है, हाँ आपको जो भी मिलना चाहिए वो बेस्ट ही होगा, मैं इसीलिए ये लेने गई थी, जो बेस्ट है वो आप डिजर्व करते हो। ये सुनने के बाद योंगतिंग को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में किसी ने भी उसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया था। योंगतिंग शाओ को हग कर लेता है। उसके बाद योंगतिंग शाओ के घाव पर मेडिसिन लगाने लगता है। वो उसे बोलता है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। शाओ बोलती है, क्योंकि मुझे एक घर खरीदना है बहुत सारे पैसे कमा कर। योंगतिंग बोलता है, अगर तुम्हें घर चाहिए तो मैं दे दूंगा, बताओ चाहिए क्या। शाओ बोलती है, आप मुझे घर क्यों दोगे बगैर किसी बात के। योंगतिंग बोलता है, ये ऑफर आज के लिए, अगर चाहिए तो बोल देना। लेकिन शाओ को ये मजाक लग रहा होता है। योंगतिंग बोलता है, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाता हूँ। शाओ बहुत कंफ्यूज होकर पूछती है, आप मेरे साथ इतने अच्छे से बर्ताव क्यों कर रहे हो। ये सुनने के बाद योंगतिंग भी अपने आप से पूछता है, मैं इसके लिए इतना अच्छा क्यों बन रहा हूँ। शाओतिंग शाओ से बोलता है, किचन में सब कुछ है, बनाकर खा लो। रूम में जाने के बाद योंगतिंग बार बार अपने आप से यही पूछ रहा था, सडनली ये लड़की मुझे पसंद आने क्यों लगी है। उसके बाद वो शाओ को मैसेज करता है। शाओ तो सो चुकी थी। योंगतिंग उसके रूम में जाता है। इस वक्त शाओ सपने में योंगतिंग को सुना रही होती है। ये भी बोल रही होती है, आप कभी कभी बहुत अच्छे बन जाते हो। ये सुनने के बाद योंगतिंग मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे योंगतिंग शाओ को डिस्टेंस मेंटेन करने को बोलता है। वो ऐसा इसलिए बोलता है ताकि वो उसकी तरफ और अट्रैक्ट ना हो। योंगतिंग शाओ को बीच साइड में ले जाने को बोलता है। शाओ एक अम्ब्रेला की मदद से योंगतिंग को धक्का दे रही थी। योंगतिंग पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो। शाओ बोलती है, आपने बोला था ना डिस्टेंस मेंटेन करो। योंगतिंग गुस्से में उठकर जाने वाला था तभी वो गिर जाता है। शाओ उसे पकड़कर वापस व्हीलचेयर पर बिठा देती है। उसके बाद शाओ योंगतिंग के पैर को गर्म करने के लिए अपने हाथों से रब करने लग जाती है। शाओ का ऐसा ख्याल रखना योंगतिंग को बहुत ज्यादा पसंद आने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में शाओ फोन पर अपनी आंटी से बात कर रही थी। बातों ही बातों में उसकी आंटी फैंग का नाम लेती है। फैंग शाओ के बचपन का दोस्त था। शाओ और फैंग की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा क्लोज वाली थी। फोन रखने के बाद योंगतिंग जो शाओ के फोन पर अपना कान लगा के बैठा हुआ था उससे पूछता है, ये फैंग कौन है। शाओ फैंग की तारीफें करने लग जाती है। उसकी तारीफ सुनने के बाद योंगतिंग को अच्छा नहीं लग रहा होता पर वो शाओ के सामने नॉर्मल रिएक्ट करता है। योंगतिंग पूछता है, तुम्हारा फैंग हैंडसम है या फिर मैं। शाओ बोलती है, मैं नहीं बताने वाली और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिंशी की नज़र हमेशा से योंगतिंग पे थी लेकिन योंगतिंग किसी भी कीमत पर लिंशी को अपने पास भटकने देने वाला नहीं था, इसलिए लिंशी शाओ के साथ जान पहचान बढ़ाकर योंगतिंग के करीब आने का ट्राई कर रही थी। लिंशी शाओ से उसके और योंगतिंग के बारे में पूछती है। शाओ बोलती है, मैं उसका अच्छे से ख्याल इसलिए रख रही हूँ क्योंकि वो बीमार है। योंगतिंग दोनों को बात करते हुए देख लेता है। लिंशी योंगतिंग को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें ये एविडेंस था, योंगतिंग के अंकल और उसका बेटा मिलकर कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे थे। वो मिलकर योंगतिंग को रास्ते से भी हटाना चाहते थे। योंगतिंग अपने भाई और अंकल को कंपनी से फायर कर देता है। योंगतिंग और उसके अंकल योंगतिंग के साथ इस बारे में बात करने आए हुए थे। पहले तो योंगतिंग के अंकल काफी शराफत से पेश आते हैं। योंगतिंग अपना डिसीजन बदलने वाला नहीं था इसलिए जाने से पहले उसके अंकल उसे वार्निंग देते हैं, तुम बहुत पछताओगे, और ये कहकर चले जाते हैं। योंगतिंग अपने असिस्टेंट मिंग को ये बोलता है, मैं अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए रेडी हूँ। ये सुनने के बाद मिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि योंगतिंग ट्रीटमेंट के नाम से ही बहुत दूर भागता था। नेक्स्ट सीन में योंगतिंग डॉक्टर की बातें याद कर रहा था। डॉक्टर ने बोला था उसकी बॉडी के ऑर्गन सब धीरे धीरे कर ट्रीटमेंट को हैंडल कर नहीं पाएंगे। अब योंगतिंग के पास ज्यादा वक्त नहीं था यानी ट्रीटमेंट का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मिंगो और योंगतिंग की बातों से पता चलता है अब योंगतिंग के पास 3 महीने हैं। योंगतिंग मिंगो को डॉक्टर वाली बात शाओ को बताने से मना करता है। रिसोर्ट वापस आने के बाद हमें दिखाया जाता है शाओ बहुत सैड थी क्योंकि उसका योंगतिंग के लिए काम करने का टाइम खत्म हो चुका था। वो यहाँ 1 वीक के लिए आई हुई थी।
युंगटिंग ये बात जानने के बाद और भी सैड फील करता है, पर युंगटिंग अपने आप को ये कह के शांत करता है। बाद में उसकी और शाओ की नजदीकियाँ और बढ़ने के बाद शाओ के लिए उसे भुलाना बहुत मुश्किल होता है, इससे अच्छा है वो अभी चली जाए। शाओ मिंग से हॉस्पिटल और डॉक्टर के बारे में पूछती है, मिंग उसकी बातों को टाल देता है। युंगटिंग अब से शाओ को इग्नोर करने लग जाता है। युंगटिंग शाओ को क्लियर कर देता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकती तो मेरे करीब आना और केयर करना भी छोड़ दो। शाओ से मिलने के लिए फेंग आया हुआ था। फेंग और शाओ की नजदीकियां देखने के बाद युंगटिंग बहुत ज्यादा जेलस फील करने लग जाता है। रात को शाओ युंगटिंग का ये इनडायरेक्ट वाला लव प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे युंगटिंग और शाओ लिंगशी के पास जाते हैं। लिंगशी ने फेंग को अपने साथ काम पर रखा हुआ था क्योंकि लिंगशी ये जानती थी फेंग और शाओ बहुत करीब फ्रेंड है। युंगटिंग इन दोनों के सामने शाओ को अपनी गर्लफ्रेंड बता देता है। ये सुनने के बाद लिंगशी और फेंग दोनों शोक में थे, स्पेशली फेंग बहुत ज्यादा गुस्से में था। युंगटिंग और शाओ एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं। युंगटिंग शाओ को अपने साथ एक पार्टी में ले जाना चाहता था, इसलिए वो शाओ को जैसे तैसे बनाकर डांस प्रैक्टिस करवाने लग जाता है। पार्टी वाले दिन युंगटिंग शाओ के लिए एक प्यारा सा ड्रेस लेके आया हुआ था। शाओ इस ड्रेस में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। पार्टी में जाने से पहले एक बात पता चलती है, शाओ की दोस्त फैन ने कुछ पैसे चुरा के उसका इंजाम शाओ पर लगाने का प्लान बनाया था। लिंगशी फैन को एक्सपोज करती है, शाओ फैन से अपने सारे रिलेशन तोड़ देती है। सब सही होने के बाद युंगटिंग बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में युंगटिंग के पास लिंगशी को युंगटिंग की बीमारी के बारे में पता चल चुका था। लिंगशी युंगटिंग को बोलती है, अगर तुम नहीं चाहते तुम्हारी बीमारी के बारे में शाओ को पता ना चले तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। युंगटिंग कभी भी शाओ का दिल तोड़ने वाला नहीं था। लिंगशी उसे ऐसा फील कराती है, अगर वो शाओ के साथ रहेगा तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद युंगटिंग खुद ही कंफ्यूजन में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में लिंगशी शाओ से बोलती है, हम दोनों शादी करने वाले हैं इसलिए युंगटिंग से चिपकना बंद करो। ये सुनने के बाद शाओ को मजाक लग रहा था। शाओ भागते हुए युंगटिंग के पास जाके इस बारे में पूछती है। युंगटिंग बोलता है, मैं तो तुम्हारे साथ बस टाइम पास कर रहा था, मुझे थोड़ी पता था तुम सीरियस हो जाओगी। युंगटिंग बोलता है, हाँ मैं लिंगशी से शादी करने वाला हूँ, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, और ब्रेकअप कर लेता है। ये सुनने के बाद शाओ शॉक हो जाती है। शाओ युंगटिंग को मनाने के लिए पूरी रात भर उसके कमरे के सामने बैठ जाती है। युंगटिंग को ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, पर वो अपनी फीलिंग को छुपाते हुए शाओ के सामने आता है। युंगटिंग शाओ को बोलता है, बच्चों की तरह बर्ताव करने का कोई मतलब नहीं है, हम दोनों अडल्ट हैं। मिंग युंगटिंग को ऐसे शाओ को हर्ट ना करने के लिए बोलता है क्योंकि वो साफ साफ देख रहा था हर्ट सिर्फ शाओ नहीं युंगटिंग भी हो रहा था। युंगटिंग बोलता है, मैं अपने मतलब के लिए सेल्फिश नहीं बन सकता। युंगटिंग के कहने पर फेंग आता है शाओ को लेने के लिए। युंगटिंग फेंग से प्रॉमिस लेता है उसे शाओ का अच्छे से ख्याल रखना होगा। शाओ का मन बहलाने के लिए फेंग उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है, पर शाओ का पूरा ध्यान युंगटिंग पर होता है। शाओ ये सारी बातों की वजह से बीमार पड़ने लग जाती है। फेंग शाओ की तबीयत खराब होने के बाद युंगटिंग को कॉल कर देता है। युंगटिंग आके शाओ को अच्छे से ख्याल रखता है। नेक्स्ट सीन में युंगटिंग का बर्थडे था। फेंग और शाओ भी युंगटिंग के बर्थडे पे आते हैं। फेंग और शाओ अपना वेडिंग कार्ड युंगटिंग को देते हैं, जो देखने के बाद युंगटिंग शॉक हो जाता है। शाम को शाओ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। युंगटिंग शाओ को रूम में रेस्ट करने के लिए ले जाता है और ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, यानी इंटीमेट हो जाते हैं। युंगटिंग का भाई उसे बदला लेने के लिए शाओ को किडनैप कर लेता है और उसे कॉल कर 5 मिलियन की डिमांड करता है। युंगटिंग शाओ की सेफ्टी को लेकर बहुत परेशान था। लिंगशी आके युंगटिंग की हेल्प कर देती है। युंगटिंग के भाई को पुलिस पकड़ लेती है। शाओ और युंगटिंग फाइनली एक साथ हैप्पीली रहने लग जाते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।